शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का एक बार फिर विवादास्पद बयान सामने आया है। मध्य प्रदेश के शाजापुर में राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी चाहते हैं आप दिन भर जय श्री राम बोलो और भूखे मरे। राहुल गांधी ने आगे ये भी कहा कि देश का युवा चाइना के मोबाइल में दिन में 7 घंटे बस रील देखने में लगा है। और राहुल गांधी ने आगे ये भी कहा कि मोदी जी भी यही चाहते हैं कि युवा दिन भर मोबाइल पर रील देखता रहे। एक युवा रील देखे 15 मिनट और फिर फोन को ऐसे घुमाए उस पर लिखा हो मेड इन मध्य प्रदेश, और चाइना का युवा हो वो 7 घंटे रील देखे। ये मैं चाहता हूं, मोदी जी चाहते कि आप दिन भर मोबाइल पे रहो, जय श्री राम बोलो और भूखे मर जाओ। ये है। वही राहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल नॉन सीरियस नेता हैं, उनके बयान को देश ने गंभीरता से लेना बंद कर दिया है। तो एक के बाद एक कई सारे विवादास्पद बयान राहुल गांधी ने दिए और एक बार फिर से वो इसी कड़ी में आगे जुड़ गया। देखिए, मैंने राहुल गांधी के बारे में हमेशा कई बार कहा है कि वो नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है। वो क्या बोलते हैं, कितना बोलते हैं, इसे छोड़ दीजिए। देश ने उनको गंभीरता से लेना बंद कर दिया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस भाषण की बात करेंगे जिसने 2024 के चुनाव का नैरेटिव सेट कर दिया है। अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री मोदी तेलंगाना के संगारेड्डी में थे, जहां से उन्होंने एक बार फिर मोदी का परिवार के जरिए विपक्ष पर तीखा प्रहार किया। मोदी ने कहा, विपक्ष मुझे गाली दे रहा है और विपक्ष के लिए परिवार पहले है, जबकि मोदी के लिए देश पहले है। पीएम ने आगे ये भी कहा कि 140 करोड़ देशवासी ही उनके लिए उनका परिवार है। मोदी के तीखे तेवरों से साफ है कि बीजेपी मोदी का परिवार को चुनावी एजेंडा अब बनाती हुई दिख रही है। मेरा परिवार ना होने की बात उठा रहे हैं, ये भूल रहे हैं कि 140 करोड़ देशवासी 140 करोड़ देशवासी ये मोदी का परिवार है। देश की हर माता, देश की हर बहन मोदी का परिवार है। देश का हर नौजवान, हर बेटा, हर बेटी मोदी का परिवार है। कांग्रेस और इंडी गठबंधन वालों को अंदाजा भी नहीं है कि करोड़ों लोग मुझे अपने परिवार का सदस्य ही मानते हैं। और इसलिए आज करोड़ों परिवार एक सुर में कह रहे हैं, एक आवाज में कह रहे हैं, मैं हूं मोदी का परिवार। तेलंगाना में भी लोग कह रहे हैं नेने मोदी कुटुंबम। वो कहते हैं फैमिली फर्स्ट, मोदी कहता है नेशन फर्स्ट। ये है विचारधारा की लड़ाई। उनके लिए उनका परिवार ही सब कुछ है, मेरे लिए देश का हर परिवार सब कुछ है। इन्होंने अपने परिवार के हितों के लिए
देश हित को बलि चढ़ा दिया। मोदी ने देश हित के लिए खुद को खपा दिया है।